तो आप लोगों को हमारे भैया का मार्क्स जानना है कि ग्रुप डी में, रेलवे ग्रुप डी में कितना आया, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स इस तरह का आ रहे थे। आप लोग पूछ रहे हैं कि कितना मार्क्स आपके भैया का आया, क्योंकि हम जो एक इंटरव्यू वीडियो भैया के साथ किए थे उसमें बताए थे कि 84 अटेम्प्ट करके आए हुए हैं, और उनका जो एग्जाम था वो था 30 अगस्त को सेकेंड शिफ्ट में सिलीगुड़ी में सेंटर हुआ था, और उनका बोर्ड है हाजीपुर। ठीक है, तो ये सब हम डिस्कस कर लिए थे जो हमारे एक इंटरव्यू वीडियो था, जब एग्जाम देकर वो आए थे तो उस टाइम उनसे पूछे थे कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, और लगभग 32-33 हजार कैंडिडेट ने वो उस वीडियो को देखा है, और उसमें हम बताए थे कि 84 अटेम्प्ट, मतलब भैया ही बताए थे कि 84 अटेम्प्ट करके आए हैं। तो आप लोगों का डाउट है कि कितना उनका सही हुआ वो भी बता दीजिए, और कितना मार्क्स उनका बन रहा है आंसर की आने के बाद। तो अभी सीन कुछ ऐसा है कि वो उनका जो है आंसर की हम खुद चेक किए, ठीक है, उनका 77 सही है और 7 गलती है, तो 77 सही है। बहुत पहले से वो तैयारी कर रहे हैं इसीलिए ऐसा है, आप लोग मतलब कुछ और मत सोचिएगा, 77 सही है, ठीक है, 7 गलती है, तो मतलब 2.633 कट जाएगा मार्क्स, और उनका मार्क्स फाइनल बन रहा है 74.66, तो 74.66 उनका रॉ मार्क्स बन रहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ सीन है, लेकिन इससे कोई मतलब इतना मार्क्स आ रहा है आप लोग पूछ रहे थे इसलिए आप लोगों को बता दिया। बट यहाँ पे जो मेन बात निकल के आ रही है वो है फिजिकल निकालना। फिजिकल निकालना बहुत से लोगों के लिए चैलेंज है एक तरह से, क्योंकि क्या होता है ना कि जो आदमी सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देता है, मतलब फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम करता है ना, उनका वेट ज्यादा हो जाता है, और जिसके कारण वो रनिंग नहीं कर पाते हैं। बहुत से ऐसे लोग आप लोगों के आसपास में भी होंगे, या आप खुद होंगे उसमें से एक। तो अगर आप जो उनका फिजिकल निकाला उनके लिए एक चैलेंज है, तो देखते हैं अगर निकल जाता है फिजिकल तो ज्यादा चांस है कि हो जाएगा, बाकी देखते हैं क्या होता है आगे, फिजिकल निकाल पाते हैं या फिर इस बार ही क्या होता है नहीं पता, खैर देखते हैं। वो खुद अपने हिसाब से मेहनत कर रहे हैं और जितना भी वो कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है, बाकी देखते हैं कि आगे क्या होगा। एंड यहाँ पे हम एक चीज और बोलना चाहेंगे कि आप लोग यहाँ पे मतलब हो सकता है कि वो शिफ्ट जो जिस शिफ्ट में वो एग्जाम देकर आए वो शिफ्ट इजी हो, इसलिए आप लोग कंपेयर मत कीजिएगा कि कितना मार्क्स ज्यादा आया है कम आया, हो सकता है कोई और शिफ्ट में आप लोग होगा हो और आप लोगों का मार्क्स ज्यादा हो, तो ये मतलब अलग अलग है, उस पर कंपेयर नहीं किया जा सकता है। मतलब बहुत सालों से 2016 से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स की तैयारी, तो ये बहुत लंबा टाइम होता है, तो इसलिए इतना मार्क्स आना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग भी 5-6 साल लगभग तैयारी कीजिएगा तो हो सकता है आप लोगों भी और ज्यादा मार्क्स ला सके, तो इतना ये मतलब कॉमन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इस वीडियो में भी आप लोगों को बता दें कि 2018 में उसके साथ क्या हुआ था। 2018 में उनका मार्क्स रो मार्क्स आया था 53, जिसके कारण वो फिजिकल की तैयारी नहीं किए, और उसका जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हुआ वो हो गया था 77, और उसका फिजिकल के में नाम आ गया था, और जिसके कारण उसका जो फिजिकल हुआ वो नहीं हो पाया, और फिर मतलब फिर से इस बार एग्जाम दे रहे हैं। यहाँ पे एक चीज और हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो बहुत से लोग बोलते हैं कि इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं है, इस बार परसेंटाइल बेस्ट नॉर्मलाइजेशन है, तो इसमें मार्क्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे डिटेल में कि मार्क्स बढ़ेगा ही, ठीक है, और जिनका भी कम आ रहा है वो फिजिकल, ऐसा नहीं हो कि फिजिकल तैयारी छोड़ दे, फिजिकल का आप लोग तैयारी कीजिए, फायदेमंद ही रहेगा ओवरऑल हमारे हिसाब से, और मार्क्स कैसे बढ़ता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को देख उसमें डिस्क्राइब करेंगे, उसमें कुछ दिखाएंगे आप लोगों को और उसमें बात करेंगे। तो इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जय हिंद जय भारत।